अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि अगर आप अपना कंप्यूटर सेल करना चाहते हैं या आप अपना पुराना लैपटॉप सेल करना चाहते हैं तो क्या आप जानते हैं कि उसकी हार्ड डिस्क में जो भी आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ वीडियोज़ या कोई भी डाटा होगा अगर आप उसे डिलीट कर देंगे या अपने हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर देंगे तब भी आपकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ दोबारा रिकवर की जा सकती हैं। तो दोस्तों अब सोचने की बात यह है, क्या आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर सेल ना करें? बिल्कुल करें, लेकिन करने से पहले एक काम कर लें कि आपका डाटा दोबारा रिकवर ना हो। मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसके ज़रिए आपका डाटा कभी भी दोबारा रिकवर नहीं होगा। ऐसे केसेस जैसा कि आप किसी की USB ड्राइव यूज़ करते हैं या किसी की एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं अपने डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, अब आप उसकी हार्ड ड्राइव या उसकी USB ड्राइव को वापस करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी है कि पहले उसकी हार्ड ड्राइव या USB ड्राइव को वाइप कर दें, मुकम्मल तौर पे साफ़ कर दें कि रिकवरी सॉफ्टवेयर भी आपकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को रिकवर ना कर पाएँ। अक्सर दोस्तों को इस चीज़ का नहीं पता और बाकी जो दोस्त जानते हैं रिकवर करना वो आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोस को रिकवर कर लेते हैं और आपका जो प्राइवेट डाटा वो प्राइवेट नहीं रहता और लोगों की एक्सेस तक पहुंच जाता है। तो मैं आपको अब आज डिटेल से बताऊंगा कि कैसे पॉसिबल, ख्वाह आपकी कोई हार्ड ड्राइव हो, एक्सटर्नल हार्ड हो या आपकी इंटरनल हार्ड हो जो सिस्टम के अंदर लगती है, तो मैं दोनों केसेस में बताऊंगा कि कैसे आपने अपने कंप्यूटर से बड़ी आसानी से उनका जो डाटा है वो फॉर एवर हमेशा के लिए वाइप कर देना है कि आपके पुराने डाटे की बिल्कुल भी कोई बाकियात ना बचे और दोबारा रिकवर होने के काबिल ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। दोस्तों इस काम के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर है वो उसका नाम है CC क्लीनर। आप सिंपली टाइप करें CC क्लीनर, अक्सर लोग जो है CC क्लीनर के नाम से वाकिफ़ होंगे, लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि मैं आपको इसका इस्तेमाल भी बताऊंगा। CC क्लीनर वैसे दूसरे कामों के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन इस काम के लिए बहुत कम लोग जानते होंगे कि CC क्लीनर बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और CC क्लीनर को डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले गूगल में टाइप करें CC क्लीनर, जैसा कि मैंने CC क्लीनर लिख लिया है। अब ये काफ़ी लिंक्स आ रहे हैं, आप फाइल हिपो के जरिए डाउनलोड कर लें या आप किसी और लिंक के जरिए डाउनलोड कर लें। फाइल हिपो जो है रिकमेंडेड है। डाउनलोड करने के बाद मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो इंस्टॉलेशन के बाद दोस्तों मैं आपको ये देखिए इंटरफेस दिखा रहा हूँ CC क्लीनर का, कुछ ऐसा डेस्कटॉप पे आइकन बनेगा। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगा तो ये इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा CC क्लीनर का। जब मैं CC क्लीनर को ओपन करूंगा तो काफ़ी ऑप्शंस आपके सामने नमूदार हो रहे हैं। मुझे जो ऑप्शन रिक्वायर है डिस्क वाइप के लिए कि आपका डाटा हमेशा के लिए डिलीट हो जाए, कोई बाद में उसको रिकवर ना कर सके, दोबारा ना निकाल सके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए दोस्तों मैं जाऊँगा टूल्स में। जब दोस्तों ये देखें इस साइट पे जो ऑप्शंस बने हुए इसमें मैं टूल्स पे क्लिक करूंगा तो टूल्स के फर्दर जो ऑप्शंस हैं वो आगे आपको नज़र आएंगे। और दोस्तों टूल्स में जो सबसे आखिरी ऑप्शन है ड्राइव वाइपर, ये देखें ये सबसे आखिर वाला ड्राइव वाइपर, इस पे क्लिक कर दूंगा। जब मैं ड्राइव वाइपर पर क्लिक करूँगा दोस्तों तो ये देखिए मेरी हार्ड ड्राइव के तमाम जो ड्राइव्स हैं वो शो हो रहे हैं, मेरी हार्ड डिस्क के जितनी भी पार्टीशंस हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं EFGH। अब जिस हार्ड ड्राइव के ड्राइव को मुझे मुकम्मल तौर पे वाइप करना है, उसको मुकम्मल तौर पे कह लें साफ़ करना है कि दोबारा डाटा रिकवर ना हो, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लेना है। जब मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ई को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जब मैं उसको सिलेक्ट करूँगा उसके बाद सिंपली दोस्तों ये नीचे ऑप्शन बना हुआ है वाइप, WIPE वाइप, मैं वाइप पर एक लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा और साथ ही जो मेरी हार्ड ड्राइव की वो पार्टीशन है वो वाइप होना शुरू हो गई है, यानी मुकम्मल तौर पे उसको साफ़ कर दिया जाएगा कि किसी किस्म का भी पार्टीशन रिकवरी या डाटा रिकवरी या किसी किस्म की रिकवरी वाला सॉफ्टवेयर मेरे डाटा को, मेरी फ़ोटोज़ को, मेरी वीडियोस को रिकवर ना कर सके और मेरा डाटा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, वाइप कर दिया जाए। तो ये देखिए ये परसेंटेज चल रही है। एक बात याद रखिए कि परेशान नहीं होना, ये थोड़ा सा स्लो अमल है, इसमें हो सकता है कि आपके एक ड्राइव को 15-16 मिनट या 10 मिनट, डिपेंड करता है कि आपकी पार्टीशन कितनी बड़ी है, टाइम लग सकता है, यानी कि 10 से 15 मिनट के दरमियान टाइम नॉर्मली लग जाता है। जैसे कि आप 16 मिनट वो शो करवा रहा है इस पार्टीशन को वाइप करने के लिए, तो 15-16 मिनट मैं वेट करूँगा और उसके बाद जो मेरी पार्टीशन है वो मुकम्मल तौर पर वाइप हो जाएगी।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल असदअली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल असदअली टीवी को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा आपको बताते चले कि हमारा एक फेसबुक पेज भी है जिसका नाम है असदअली टीवी, सेम हमारे चैनल का जो नाम है वही फेसबुक पेज भी है। आप फेसबुक पर ढूंढ के उसको भी लाइक कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।